Good morning, facilitators. Again, I am going to get a craft to clear the concept of butterfly. और इसको आप सजावट के रूप में भी ले सकती हैं. जितनी प्रकार के जो आपके स्कूल में फंक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए कर सकती हैं. मैं एक वेलवेट पेपर ले रही हूँ. आप पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है. मैं कुछ क्या कहते हैं मार्बल पेपर का इस्तेमाल करूंगी और एक वेलवेट पेपर भी मैंने लिया है. तो लुक हेयर, तो मैंने क्या किया है कि एक पेपर लिया, उसको दो भाग में फोल्ड कर दिया. फोल्ड करके ये एम जैसा एक शेप बनाया है. इसको आप देख रहे हैं, इसको इसे कट करेंगे. इसे कट करके एक शेप ले लेंगे बटरफ्लाई का. देखिए, इसे लिया, कट कर लिया. बटरफ्लाई के भी एक सर्टन लुक होते हैं, है ना? तो एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उसे कैसे करना, तो इट विल बी इजी. एक देखा जाए तो फूल का भी कटिंग, बहुत सारे फूलों का कटिंग भी जो है इस शेप में जाता है. तो ये ले लिया हमने बटरफ्लाई के एक पंख का. लुक एट, बटरफ्लाई के पंख की तरह दिखने लगा, है ना? तुरंत ही दिखने लगा. इसे थोड़ा साफ कर देती हूँ. अब क्या है कि कुछ कलर्स जो होते हैं, कुछ कलर्स के कॉम्बिनेशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है. कलर्स कॉम्बिनेशन भी समझना, जैसे मैंने ये ब्लू लिया है, अब इसको इन्हांस किया जाए, है ना? इन्हांस करते हैं. इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं. मैंने मार्बल पेपर लिया है, मार्बल पेपर ऑरेंज कलर का. मैं सोचती हूँ मैं वाइट कलर के चार्ट पेपर से जाती हूँ, और भी क्लियर रहेगा. तो वाइट रंग का चार्ट पेपर मैंने अभी बदल लिया है. देखिए, थोड़ा और इन्हांस लग रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन और पता चलेगा. तो ये हो गया एक बटरफ्लाई का. मैंने एक बेसिक बॉडी लिया और फिर अगेन इसी के ऊपर हमें पेस्ट करना है. तो इसी शेप साइज का, सॉरी, इसी क्या कहते हैं शेप का चाहिए होगा, पर साइज थोड़ी छोटी होगी अपेक्षाकृत उसके. मैं फ्री कर रही हूँ, लाइए आपको बता देती हूँ. अगेन ऐसे ही सिर्फ एक एम लिखेंगे या दिल लिखेंगे, वॉट एवर जो आपके, या थ्री लिख कर घुमा देंगे, जो भी आपके लिए आसानी समझ हो, जो आपकी थीम चल रहे हो क्लास में, उसी के अनुसार वर्क करेंगे. और मैंने अभी पेपर के साइड में मैंने कर लिया है. आप जो है वाइट, जो पिछला जो पेपर का भाग होता है जब कलर पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अदरवाइज सबको एक साथ लेके जाना होगा. ये देखिए, एक नीचे एक लिया हमने, एक ऊपर लिया, दो प्रोसेस. तीसरा प्रोसेस जो है बटरफ्लाई की बॉडी, कौन, मिडिल बॉडी. लाइए आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ. अगेन देखिए, ये ऐसा बटरफ्लाई की बॉडी ऐसे जाती है. अगेन मैं यही बोलूंगी कि आप सी के थ्रू जाइए, वन सी, वन मोर सी, बेटर लीजिए. नापना चाहे तो आप नाप ले ले कि कितनी लंबाई की जरूरत है, उसके अनुसार. इसको मोड़ कर भी कट कटिंग कर सकते हैं. धीरे धीरे जैसे आप करने लगते हैं, तो अपनी क्या कहते हैं क्रिएटिविटी अपनी खुद खुद डेवलप हो जाती है. तो कुछ दिन की बात है, थोड़ी सी ट्रेनिंग, उसके बाद फिर आप खुद ही क्रिएटिव हो जाते हैं. तो ये देखिए बटरफ्लाई का बॉडी, मोर और लेस बटरफ्लाई की तरह ये दिखने लगा. बेसिक यही होता है. अब चलिए इसे पेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर और भी डेकोरेशन जो उसके साथ क्या करना चाहेंगे वो बाद में देखते हैं. चल पहले बेसिक वर्क कर लेती हूँ. तो सबसे पहले बटरफ्लाई को पेस्ट करती हूँ. ब्लू जो हमने बेसिक डार्क ब्लू लिया है, नेवी ब्लू,
उसको लेते हैं। ये मैंने वेलवेट लिया, आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान जरूर रखेंगे, आमतौर पे जो है अपोजिट कलर जो है बहुत काम करता है, ब्राइटनेस ला देता है, क्लियरनेस होता है कि क्या आपने बनाया है, और बच्चे आसानी से कैच करते हैं और खुद का काम भी थोड़ा पक्का हो जाता है, उलझने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपोजिट कलर का कॉम्बिनेशन भी समझना बहुत जरूरी है। तो अपोजिट कलर लीजिए, जब भी आप डार्क कलर ले रहे हैं उसके ऊपर कोई डेकोरेशन करना है आपको, तो लाइट कलर का इस्तेमाल करें। सिंपल, ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी बड़ी बात सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैंने चूंकि ब्लू लिया है तो लाइट ले लिया, इस पे आप येलो भी रख सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, इससे अपोजिट, इसके अपोजिट जितने भी लाइट कलर, पिंक ले सकते हैं, कुछ भी। मैंने ऑरेंज लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अपोजिट डार्क कलर, अब इस पे आप ब्लैक लगा दोगे तो शायद उतना बढ़िया ना, शायद क्या यकीनन उतना अच्छा ना लगे जितना कि लाइट कलर लगाने से लगता है। ये हो गया, अब इसकी बॉडी को ले लिया जाए। इसके बॉडी को बीच में लेते हैं, ये बेसिक है, बटरफ्लाई का बेसिक चीज हमने तैयार कर लिया। अब थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि बटरफ्लाई की खासियत ये होती है, वो बेहद खूबसूरत होती हैं, और बहुत सारी है ना खूबसूरत स्ट्रक्चर उनके ऊपर जो है बना हुआ होता है, कमाल का, सभी ने देखा होगा। और बटरफ्लाई तो सभी को अट्रैक्ट करते हैं, छोटे हो या बड़े हों, सभी उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। जब हम देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो अभी चूंकि मैंने इस पर पेंट चला दिया है, तो मैं इसी की मदद से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। पर इसको पेपर कटिंग से भी, तरह तरह के पेपर को कट करके भी इसके ऊपर सजा सकते हैं, अभी मैं वो भी बता देती हूँ। लेकिन जरा मैं इसको इसी से ले लूँ ताकि ये कम्प्लीट लगने लगे। ये बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन चलिए गलती को भी सुधारना आना चाहिए। ये ऊपर की ओर कभी आप ड्रॉ नहीं करेंगे, मैंने कर दिया था तो इसका इसको ले लिया, और थोड़ा इस पे और डेकोरेशंस के लिए क्या कर सकते हैं भाई, तो कुछ कटिंग लेते हैं। जैसे शेप्स को ही मैं लूंगी, जैसे सर्कल ले लिया, कुछ सर्कल ले लेती हूँ, फोर सर्कल कट करती हूँ, 1, 2, 3, 4 फोर सर्कल काट करती हूँ, कट करती हूँ जो अपोजिट कलर में, जो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया उसी को लेती हूँ। ये देखिए सर्किल, ओवल, व्हाटएवर, मैं सर्किल ले ले रही हूँ, मोरल लेस जो है कोई भी, स्टार, डायमंड, व्हाटएवर, जो आपका दिल करता है। इसी बहाने आप सेप भी बच्चे को समझा पाएंगी कि देखो यहाँ पर हमने सर्किल डाला है। ये देखिए और ये भी ध्यान रखिए कि काम के दौरान जो है, क्राफ्ट के दौरान या कोई भी काम के दौरान जो है कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसे पूरा कंप्लीट नहीं छोड़ देंगे, उसको भी ठीक करने का, उसको भी वापस क्रिएट करने की समझ होनी चाहिए फैसिलिटेटर को, ताकि मोल्ड होना, इसको कहते हैं क्या, टर्न लेना, सिचुएशन को हैंडल करना, ये भी फैसिलिटेटर्स को समझ में आनी जरूरी है। तो घबराए नहीं, अगर कोई पेपर गड़बड़ा भी जाता है उसे रख दे, कभी ना कभी वो किसी ना किसी चीज में जरूर काम आ जाएगा। फेंकना नहीं, फेंकने से बचे। अब कुछ रेड ले लेती हूँ, रेड 4 ले लेती हूँ, इन चारों के बीच में भरने के लिए। बहुत सिंपल, इसलिए कि छोटे बच्चों का प्रैक्टिकल है तो ऑब्वियस है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बटरफ्लाई को बहुत तरीके से, बहुत खूबसूरत और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी और बहुत बारीकी से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगेन इट्स फॉर लिटिल किड, तो वैसे ही चलेंगे। बड़े लोग भी बना सकते हैं, और सजाने के लिए भी आप थीम बोर्ड को इससे सजा सकते हैं। जैसे थीम आपका चल रहा है इंसेक्ट्स का, जब थीम चल रहा होगा तो आप बटरफ्लाई देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो बटरफ्लाई जो है बनाया और थीम बोर्ड पे आपने सजा दिया।
बच्चे हैप्पी और ऑब्वियस है कि आपके आसपास का माहौल खूबसूरत होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो काम करने में भी मन लगेगा, आप भी खुश रहेंगे। और फैसिलिटेटर्स का हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। आप जितना खुश रहेंगे बच्चे या आपके स्टूडेंट उतना ही हैप्पी रहेंगे। आपके हैप्पीनेस पे बहुत डिपेंड करता है बच्चों का टाइम, वो कैसा बिता रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बोलूँगी बी हैप्पी फर्स्ट, तो मैं यही बोलूँगी फैसिलिटेटर शुड बी हैप्पी ऑलवेज। अब कुछ कटिंग लेती हूँ और इसको कर्व भी ले सकते हैं और लाइनिंग में भी ले सकते हैं। इसको लेकर के इस पे पेस्ट करते हैं, बीच में जो बटरफ्लाई का जो बॉडी है उसके पार्ट को जो है भरने की कोशिश करती हूँ। चलिए कुछ कटिंग लंबा लंबा मैंने ले लिया है, ईजीएस्ट है, और भी कॉम्प्लिकेटेड ले सकते हैं पर मैंने जानबूझ के सीधा सीधा लिया है ताकि आसानी से समझ में, थोड़ा सा इन बीच में इनके बीच में डाल दिया जाए। हो गया। और बटरफ्लाई के एंटीनाज होते हैं, एंटीना जो होते हैं उसे भी हम बनाएंगे। एंटीना के लिए हम इसी रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये पेपर लिया है उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ये छोड़िए मैं नया कट कर लेती हूँ, सिंपल सी की तरह लीजिए। सी की तरह ले लीजिए, दो एंटीना होते हैं उनके, थोड़ा सा ऊपर की ओर हल्का सा घुमा लिया गोल और सीधा स्टैंडिंग लाइन ले लिया। इसे लेते हैं, बेटर है थोड़ा अंदर इसके चले जाता तो अच्छा होता, इसके अंदर ले लेते हैं। एक और उसी तरीके से, बटरफ्लाई से रस चूसने का काम करती हैं, फ्लावर्स से नेक्टर लेती हैं, चूसती हैं। और ये भी बताएंगे बच्चों को, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है। सारी कंप्लीट पिक्चर को जो भी कम प्रोसेस में रखिए और कंप्लीट कीजिए। तो ये हो गया मोरलेस आपके बटरफ्लाई रेडी हो गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत आगे पीछे जो भी आपकी क्रिएटिविटी है आप स्वयं से कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर करके भी दिखा देते हैं, ये देखिए ये बटरफ्लाई मोरलेस तैयार हो गया है ना। आप इसे कॉन्सेप्ट इंसर्ट्स के कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हैं, कलर के, शेप के, वट एवर जो चीज भी आपने इस्तेमाल किया है इसमें, उसको बच्चों तक ले जाइए और समझाइए। फिर मिलती हूँ नेटवर्क के साथ, गुड डे।